जिनको फैक्टोराइज करना है ओके फर्स्ट वन इज फोर पी स्क्वायर माइनस नाइन क्यू स्क्वायर सोल्यूशन देखो एक्सप्रेशन इज फोर पी स्क्वायर माइनस नाइन क्यू स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म्स हैं जब भी किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होते हैं तो उनको फैक्टराइज़ करने के लिए या तो हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर यूज़ करने के लिए कंडीशन होती है कि एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स में कोई फैक्टर कॉमन होना चाहिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करने के लिए दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए एंड सेकेंड कंडीशन इज एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन होना चाहिए अगर कोई एक्सप्रेशन इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है तो ही उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक्सपेंशन होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सिंपल दोनों टर्म्स को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मल्टीप्लाई कर देना है ओके अब इस एक्सप्रेशन में हम चेक करेंगे कि एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स में कोई फैक्टर कॉमन है नहीं कोई भी फैक्टर यहां कॉमन नहीं है अब हमें चेक करना है कि एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकती हैं। तो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है फोर पी स्क्वायर फोर टू का स्क्वायर होता है पी ऑलरेडी स्क्वायर है सो फोर पी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज टू पी होल स्क्वायर बीच में माइनस साइन है माइनस साइन लगाएंगे और एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म है नाइन क्यू स्क्तर नाइन थ्री का स्क्वायर होता है क्यू ऑलरेडी स्क्वायर है सो नाइन क्यू स्क्न बी रिटर्न एज थ्री क्यू होल स्क्वायर अब देखो इस एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है और इनके बीच में माइनस साइन है तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सो टू पी स्क्वायर माइनस थ्री क्यू स्क्वायर विल बी 2p plus 3q multiplied by 2p minus 3q. Here we use a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Okay, so 2p plus 3q into 2p minus 3q are the two factors of 4p square minus 9q square this will be answer expression has been factorized so this was first part now coming toward next part now second part is 63a square minus 112b square सोल्यूशन देखो एक्सप्रेशन इज सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड ट्वेल्व देखो ए तो ऑलरेडी नहीं होता तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करने के लिए पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए ए तो ऑलरेडी स्क्वायर है सिक्सटी किसी का स्क्वायर नहीं होता

63 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 63 को 3 से डिवाइड करने पे 21 मिलेगा अगेन 21 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं 21 को 3 से डिवाइड करने पे 7 मिलेगा और क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो 7 को 7 से ही डिवाइड करना होगा 7 को 7 से डिवाइड करने पे 1 मिलेगा सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 तो सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स होंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बीच में माइनस साइन है माइनस साइन लगाएंगे अब 112 के फैक्टर्स कर लेते हैं 112 क्योंकि इवन नंबर है तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 112 को 2 से डिवाइड करने पे 56 मिलेगा अगेन 56 को भी 2 से डिवाइड करेंगे 56 को 2 से डिवाइड करने पे 28 मिलेगा 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14 मिलेगा 14 को भी 2 से डिवाइड करना है 14 को 2 से डिवाइड करने पे 7 मिलेगा और सेवन को सेवन से ही डिवाइड करना है सेवन को सेवन से डिवाइड करने पे मिलेगा मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर देखो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर टू की फोर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है ना इसलिए हमने टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया नाउ सी सेवन यहाँ भी है और सेवन यहाँ भी है इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स में से सेवन एक कॉमन फैक्टर है तो सेवन को कॉमन ले लेंगे बाकी कोई और फैक्टर यहाँ कॉमन नहीं है अब ब्रैकेट ओपन करेंगे सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर के फैक्टर्स में से सेवन कॉमन में चला गया यहाँ बचा थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री को हम लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर ए ऑलरेडी स्क्वायर है तो सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर के फैक्टर्स में से सेवन कॉमन जाने के बाद बचेगा यहाँ पे थ्री ए होल स्क्वायर राइट थ्री थ्री जो नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर बीच में फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाई टू एंड मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर देखो टू टू जोर एंड टू टू जोर तो यहाँ क्या बचा फोर मल्टीप्लाई बाय फोर फोर मल्टीप्लाई बाय फोर को हम लिख सकते हैं फोर स्क्वायर b ऑलरेडी स्क्वायर है तो 112 b स्क्वायर के फैक्टर्स में से 7 कॉमन जाने के बाद बचेगा 4b होल स्क्वायर राइट फोर फोर जो सिक्सटीन होता है सिक्सटीन को हम लिख सकते हैं फोर स्क्वायर तो इस एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स में से सेवन हमने कॉमन ले लिया यहाँ बचा थ्री ए होल स्क्वायर माइनस फोर बी होल स्क्वायर अब देखो एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं और इनके बीच माइनस साइन है तो यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे इट विल बी सेवन इंटू थ्री ए प्लस फोर बी इंटू थ्री ए माइनस फोर बी Here we use a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Okay, this will be answer expression has been factorized. So this was second part now coming toward next part. Now third one is 49 x square minus 36. सॉल्यूशन देखो एक्सप्रेशन इज फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स देखो फोर्टी नाइन सेवन का स्क्वायर होता है एक्स ऑलरेडी स्क्वायर है सो फोर्टी एक्स स्क्न बी रिटर्न एज सेवन एक्स होल स्क्वायर बीच में माइनस साइन है माइनस साइन लगाएंगे थर्टी सिक्स सिक्स का स्क्वायर होता है तो थर्टी सिक्स की जगह हम लिखेंगे सिक्स स्क्वायर अब देखो एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है और इनके बीच माइनस साइन है so 7x whole square minus 6 square can be written as 7x plus 6 into 7x minus 6 here we use a square minus b square is equals to a plus b into a minus b Okay, this will be answer expression has been factorized so this was third part now coming toward next part now, fourth one is 16x to the power 5 minus 144x to the power 3. देखो, एक्सप्रेशन तो इज़ से हमें फैक्टर है माइनस वन हंड्रेड फोर्टी फोर है क्योंकि ये दोनों इवन नंबर्स है इसलिए इन दोनों नंबर्स में से भी हमें कोई कॉमन फैक्टर मिल जाएगा अब कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमें एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने होंगे 16 के फैक्टर्स कर लेते हैं सिक्सटीन कैन बी फैक्टोराइज एज सिक्सटीन को टू से डिवाइड करेंगे टू से डिवाइड करने पे एट मिलेगा अगेन एट को भी टू से डिवाइड करेंगे टू से डिवाइड करने पे फोर मिलेगा फोर को टू से डिवाइड करने पे टू मिलेगा और टू को टू से डिवाइड करने पे वन मिलेगा दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ सिक्सटीन सो सिक्सटीन एक्स टू दावर फाइव कैन बी फैक्टोराइज एज टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स देखो वन टू थ्री फोर टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक्स की पावर फाइव है तो एक्स को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस साइन है माइनस साइन लगाएंगे नाउ वन हंड्रेड फोर्टी फोर के फैक्टर्स देखो क्या होंगे 144 हंड्रेड टू से डिवाइड हो सकता है टू से डिवाइड करने पे मिलेगा 72 अगेन 72 भी टू से डिवाइड हो सकता है 72 को टू से डिवाइड करने पे मिलेगा 36 36 को टू से डिवाइड करने पे आएगा 18 18 को टू से डिवाइड करने पे आएगा 9 9 को थ्री से डिवाइड करेंगे 9 को थ्री से डिवाइड करने पे मिलेगा 3 और थ्री को थ्री से डिवाइड करने पे मिलेगा वन दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ वन हंड्रेड फोर्टी फोर वन हंड्रेड फोर्टी फोर एक्स टू दावर थ्री कैन बी फैक्टोराइज एज टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स देखो वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स टू की मल्टीप्लाई करनी है वन टू थ्री फोर वन टू टू टाइम्स थ्री की मल्टीप्लाई करनी है वन टू और क्योंकि एक्स की पावर थ्री है तो थ्री टाइम्स एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे वन टू थ्री दीज आर द फैक्टर्स ऑफ वन हंड्रेड फोर्टी फोर एक्स टू दावर थ्री नाउ सी टू यहाँ भी है और यहाँ भी है अगेन टू यहाँ भी है यहाँ भी है अगेन टू यहाँ भी है और यहाँ भी है एंड अगेन टू यहाँ भी है और यहाँ भी है एंड x यहाँ भी है और यहाँ भी है अगेन x यहाँ भी है यहाँ भी है अगेन x यहाँ भी है और यहाँ भी है इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स में फोर टाइम्स टू कॉमन है और थ्री टाइम्स एक्स कॉमन है जो फैक्टर्स कॉमन है उनको कॉमन ले लेंगे फोर टाइम्स टू कॉमन लेना है वन टू थ्री एंड फोर और थ्री टाइम्स एक्स कॉमन लेना है वन टू एंड थ्री बाकी कोई और फैक्टर्स यहां पे कॉमन नहीं है तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे सिक्सटीन एक्स टू पावर फाइव के फैक्टर्स में से फोर टाइम्स टू और थ्री टाइम्स एक्स कॉमन में चला गया तो यहां बचा टू टाइम्स एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बीच में माइनस साइन है माइनस साइन लगाएंगे 144 हंड्रेड फोर्टी फोर एक्स टू थ्री के फैक्टर्स में से फोर टाइम्स टू और थ्री टाइम्स एक्स कॉमन में चला गया यहां पर फोर फोर टू जा एट एट टू जिक्सटीन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय x इज x टू दावर थ्री x की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर थ्री होगी x मल्टीप्लाई by x इज x स्क्वायर minus 3 मल्टीप्लाई by थ्री इज 3 स्क्वायर ओके okay? तो 16x एक्स टू दावर फाइव माइनस वन हंड्रेड फोर्टी फोर एक्स टू एक्सप्रेशन की इन दोनों टर्म्स में से हमने 16x टू दी पावर 3 कॉमन मिल गया यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर देखो ये दोनों टर्म्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ना तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इट विल बी सिक्सटीन X to the power three into x plus three into x minus three. Here we use a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Okay, this will be answer. Expression has been factorized. So this was fourth part. Now coming toward next part. Now fifth part is l plus m whole square minus l minus m whole square. देखो, देखो, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इज़ इस में दो टर्म्स हैं। इज़ एल प्लस एम एंड सेकेंड वन इज एल माइनस एम ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं और इनके बीच माइनस साइन है तो ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टोराइज करने के लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे सो so, L plus M whole square minus L minus M whole square will be L plus M plus L minus M into L plus M minus L minus M. Here we use ए स्क्वाइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ए माइनस बी अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं एल प्लस एम देखो यह ब्रैकेट के बार प्लस साइन है जब किसी ब्रैकेट के बार प्लस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते जो साइन जैसा होता है वो वैसे ही रहता है एल ब्रैकेट के अंदर प्लस है ये प्लस ही रहेगा एल और एम ब्रैकेट के अंदर माइनस है ये माइनस ही रहेगा माइनस एम है टू एल प्लस एम देखो किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं एल ब्रैकेट के अंदर प्लस है ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस होगा माइनस एल और एम ब्रैकेट के अंदर माइनस है ब्रैकेट ओपन करने पे ये प्लस होगा प्लस एम नाउ सी प्लस एम से माइनस एम कैंसिल कर देंगे वन एम में से वन एम माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा इसलिए हमने प्लस एम से माइनस एम कैंसिल कर दिया सिमिलरली प्लस एल से माइनस एल को कैंसिल कर देंगे सो एल प्लस एल इज टू एल m एम प्लस एम इज टू एम टू एल मल्टीप्लाई बाय टू एम इज टू टू ज फोर एल एम

बीच में माइनस साइन है माइनस साइन लगाएंगे 16 फोर का स्क्वायर होता है तो 16 को हम लिख सकते हैं फोर स्क्वायर 3xy एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर विल बी थ्री एक्स वाई प्लस फोर इंटू थ्री एक्स वाई माइनस फोर क्लियर है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b into a minus b okay this will be answer expression has been factorized so this was sixth part now coming toward next part now seventh part is x square minus 2 x y plus y square minus z square सोल्यूशन देखो एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्सर देखो इस एक्सप्रेशन के जो ये तीन हैं, ये आपको a square minus 2ab plus b square की फॉर्म में नजर है और बी की जगह वाई है अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और साथ में माइनस जेड स्क्वायर है तो इसको नोट कर लेंगे माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर ओके, नाउ सी, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्स माइनस वाई एंड सेकेंड वन इज दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं और इनके बीच माइनस साइन है। तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर फैक्टराइज करने के लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे सो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर विल बी एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड Here we use a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Okay, this will be answer. Expression has been factorized. So, this was 7th part. Now, coming toward next part. Now, 8th one is 25 a square minus 4 b square plus 28 ट्वेंटी एट बी सी माइनस ये क्वेश्चन बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है सॉल्यूशन देखो एक्सप्रेशन इज 25 a square minus 4 b square plus 28 ट्वेंटी एट बी सी माइनस सी इस एक्सप्रेशन की ये तीन टर्म्स देखो माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एट बी सी माइनस फोर्टी नाइन सी स्क्वायर ये बी स्क्वायर है ये c स्क्वायर है और बीच में इन दोनों का प्रोडक्ट है bc तो ये एक्सप्रेशन को बी स्क्वायर जैसी आपको लग रही होगी वी नो दैट फोर टू का स्क्वायर होता है और फोर्टी नाइन सेवन का स्क्वायर होता है तो इस एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स को हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं और बीच वाली टर्म्स इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस हो सकती है राइट right? तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टोराइज करने के लिए हमें इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी और कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो पता चलता है कि सेकेंड टर्म से पहले कौन सा साइन है प्लस साइन है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और अगर माइनस साइन है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ओके okay. लेकिन देखो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म नेगेटिव है और ये दोनों आइडेंटिटीज यूज़ करने के लिए कंडीशन ये भी होती है कि एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए तो क्या इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का साइन चेंज करना होगा ये दोनों साइन हमें माइनस से प्लस करने होंगे तो, तो हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन के इन तीनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे इट विल बी ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर इन तीनों टर्म्स में से माइनस हमें कॉमन लेना है माइनस कॉमन ले लेंगे अब इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे फोर बी स्क्वायर यहां माइनस था माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये होगा प्लस फोर बी स्क्वायर ट्वेंटी एट बी सी यहाँ प्लस है यहां से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो इसका साइन चेंज होगा ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट बी सी और फोर्टी नाइन सी स्क्वायर यहां माइनस है माइनस हमने कॉमन ले लिया इसका साइन चेंज करना होगा तो ये होगा प्लस फोर्टी नाइन सी स्क्वायर क्लियर अब देखो एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पॉजिटिव है और सेकेंड टर्म नेगेटिव है क्योंकि यहां माइनस साइन है तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी होगी उसके लिए हमें एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना होगा एक्सप्रेशन की फर्स्ट और थर्ड टर्म को किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा ओके नाउ सी 25, 5 का स्क्वायर होता है a ऑलरेडी स्क्वायर है सो ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज फाइव ए होल स्क्वायर माइनस फोर टू का स्क्वायर होता है बी ऑलरेडी स्क्वायर है इट विल बी टू बी होल स्क्वायर फोर्टी नाइन सेवन का स्क्वायर होता है सी ऑलरेडी स्क्वायर है इट विल बी प्लस सेवन सी होल स्क्वायर देखो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गई सेकेंड टर्म बनाने के लिए क्या करना है बीच में माइनस साइन है माइनस साइन लगाएंगे देन टू नोट करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से और मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म से क्लियर वेरीफाई कर लेते हैं फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर इट विल बी ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर होता है फोर बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर इट विल बी फोर बी स्क्वायर माइनस

2b minus 7c whole square. Ok. Here we use a square minus 2ab plus b square is equals to a minus b whole square. Now see. एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं और इनके बीच माइनस साइन है तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे सो फाइव ए स्क्वायर माइनस टू बी माइनस सेवन सी होल स्क्वायर विल बी फाइव ए प्लस टू बी माइनस सेवन सी इन टू फाइव ए माइनस टू बी माइनस सेवन सी क्लियर दोनों टर्म्स को हमने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया अब ये अंदर वाले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं इट विल बी फाइव ए के बाद प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे जो साइन जैसा है वो वैसा ही रहेगा ये होगा प्लस टू बी माइनस सेवन सी इन टू फाइव ए यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे देखो ब्रैकेट के अंदर 2b बी प्लस है ब्रैकेट के बाहर माइनस है दोनों साइन की मल्टीप्लाई कर दो प्लस माइनस माइनस ये होगा माइनस टू ब्रैकेट के अंदर 7c सी माइनस है ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस साइन है दोनों साइन की मल्टीप्लाई करनी है माइनस माइनस प्लस ये होगा प्लस ओके so 5a plus 2b minus 7c into 5a minus 2b plus 7c are the two factors of 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square this will be answer expression has been factorized so this was eighth part and this is the last part of question number 2 with this we complete our question number 2 i hope the question is clear if you still have any doubt in any part you can mention in the comment section and please make sure that you like share and subscribe to my channel if you like today's video your support really means a lot to me bye bye take care